नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज पर पूजा। बिलासपुर यूथ कांग्रेस चुनाव में साथ नहीं देने का आरोप लगाकर विरोधी गुट के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे मरा हुआ समझकर वो वहां से चले गए। पीड़ित ने इलाज करवाने के बाद हिरी थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम हथकेरा के रहने वाले मनीष यादव ने हिरी थाने में मारपीट की शिकायत में बताया कि उन्होंने कांग्रेस यूथ कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी राहुल राजपूत के समर्थन में प्रचार प्रसार किया था। वहीं चुनाव में साथ नहीं देने पर विरोधी गुट के युवकों ने करीब रात के 9:30 बजे बिल्हा मोड़ के पास उसे रोककर मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि उसने मारपीट से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया, जिसे मरा हुआ समझकर वहां से हमलावर भाग गए। वहीं परिजनों ने मलीस का इलाज कराया, जिसके बाद स्वस्थ होते ही पीड़ित ने हिरी थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध को दर्ज कर लिया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसे अब जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। इसके साथ साथ उसके और उसके साथियों को भी मारने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मारपीट करने वाले सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।